महोदय, भारतीय रेल हमारे देश का सब लाइफलाइन कहा जाता है। भारतीय रेल का 70% की जो आमदनी होती है, सवारी गाड़ी से नुकसान होते हुए उसकी जो 70% की आमदनी होती है, वह आमदनी आपके समक्ष बैठे हुआ दिन रात मेहनत करके देश के कोने कोने में लोडिंग अनलोडिंग इस महामारी से जूझ रहा था। जब हमारा सड़क मार्ग, वायु मार्ग, रेल मार्ग सब कुछ बंद हो चुका था, उस समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहे कि देश का माल गाड़ी चलते रहना चाहिए, क्योंकि देश में कभी खाद्यान्न की पूर्ति नहीं हो। अगर देश में माल गाड़ी नहीं चलेगी, लोगों तक भोजन अनाज तक नहीं पहुंचेगा, तो कोरोना से बाद में पहले सब लोग भूखे। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ से जुड़े श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई सुविधाओं का उपहार दिया गया, जिसके लिए सरकार द्वारा पंजीकरण की शुरुआत की गई। पंजीकरण की शुरुआत दिल्ली के रामा विहार से की गई, जहां केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री एसीपी सिंह बघेल मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। साथ ही इस दौरान लोकसभा सांसद जगदम्बिका पाल भी मौजूद रहे। इस दौरान राज्य मंत्री एसीपी सिंह बघेल ने इस कदम के बाद श्रमिकों को मिलने वाले फायदों के बारे में भी बताया। साथ ही राज्य मंत्री ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी लोगों तक पहुंचाने का काम किया। इस दौरान भाजपा सांसद उपराजिता सारंगी ने किसान आंदोलन को लेकर भी टिप्पणी की। सांसद उपराजिता सारंगी ने कहा कि सरकार हर स्तर पर किसानों से बात कर रही है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है दलितों को, किसानों को, महिलाओं को, और मैं कहूँगी समाज के हर एक वर्ग के लोगों को। समाज का सर्वांगीण विकास हो, इसी पर हम सबका ध्यान है। और जहाँ तक किसानों की बात है, मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि 12 दौर की बातचीत हो चुकी है संयुक्त किसान मोर्चा के साथ और विभिन्न किसान संगठन के प्रतिनिधियों के साथ आदरणीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी के बीच और किसानों के बीच बार-बार बातचीत हो चुकी है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी लोकसभा में खड़े होकर सारे विपक्षी दलों के लोगों को आमंत्रित किया और कहा, भारत श्रमिकों की सरकार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अंतिम जो मजदूर है उसके चेहरे पर आज मोदी जी ने मुस्कान लाए हैं। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाते हुए उनको आर्थिक समृद्धि देने का काम हो रहा है। जगदम्बिका पाल जी हमारी अपराजिता सारंगी जो सांसद हैं, हम लोग यहाँ आए हैं और श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। माल गोदाम के श्रमिक को उसमें शामिल कर दिया गया है। इसमें शामिल हो गई इनके बेटा पैदा होने पर 20,000 रुपये।